नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना का कृष्णापुरी, जो कि बता दें आपको कि चिराग पासवान जी का निवास स्थान अभी वही है। ऐसे में चिराग पासवान जी के घर में आज एक आयोजन था। आपको बता दें कि देश के जो बड़े दिग्गज थे, राजनीति के बड़े दिग्गज थे, बिहार के बड़े नेता थे, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लोजपा को उन्होंने खड़ा किया था, लोजपा की उन्होंने स्थापना की थी, लोजपा के स्थापना के साथ साथ उसे सींचने का काम किया था। आपको बता दें कि आज उनकी पहली जो है बरसी थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन नहीं पहुंचे थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके आने को लेकर के तरह तरह के कयासे लग रहे थे। चिराग पासवान जी भी समय समय पर भारत लाइव की टीम के सामने भी आकर के उन्होंने स्पष्ट किया था। नेता, आपको बता दें, लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्हें मुख्यमंत्री होने के नाते भी आने चाहिए। उन्हें जो है चिराग पासवान जी से उन्हें जो है व्यक्तिगत वैर हो सकता है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से कैसा वैर, वे तो समाज के नेता थे, इतने बड़े नेता थे, कदावर नेता थे, तो उन्हें जो है कम से कम श्रद्धांजलि देने आ सकते थे। लेकिन जब ये सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से पूछा गया कि नीतीश कुमार जी नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि ये बात तो वे सोचेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों के चाचा के समान है, हम लोगों से बड़े हैं, चिराग से भी बड़े हैं जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमसे यानी कि तेजस्वी यादव जी से भी बड़े हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राजनीति में चाचा की तरह हैं वो, तो ऐसे में उन्हें आना चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों की जो तिगरी थी ये बात भी किसी से नहीं छुपी हुई है। तो ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वहां से जो चिट्ठी भेजा है, उसमें उन्होंने साथ बिताए हुए पल के साथ साथ और भी उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक लाइन में बस लिख करके इस पर इतिश्री कर दिया। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि हालांकि इस बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे उनका निर्णय है, उन्हें सोचना चाहिए कि वे आएंगे या नहीं आएंगे। उन्हें आना चाहिए था, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आना चाहिए था, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आना चाहिए था। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। ये नीतीश कुमार जी नहीं आए हैं, उनको न जेडीयू का कोई मंत्री दिखा न विधायक दिखा। देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन बड़े हैं हम लोगों से, चिराग जी से भी बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, और चाचा जैसे हम लोगों के, लेकिन एक शिष्टाचार जो है वो दिखना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो है श्रद्धांजलि दी है, तो आप देखेंगे तो कई पन्नों में उन्होंने लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने केवल एक लाइन में ख़त्म किया है। हालांकि इस पे राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते, उनका व्यक्तिगत अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।